सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 40 को पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था, षष्ठी का नियम पढ़ाया था एक आपको, ठीक है, और कुछ और भी चीजें बताई थी आपको, उसके आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमने आपको ये षष्ठी का एक नियम बताया था कि वाक्य में, ये नियम तो उससे भी पहले हो गया था, उसके बाद फिर आपको हमने कुछ अष्टधातु के रूप याद कराए थे, आप अष्टधातु के रूप आपको स्मरण कराए थे मैंने। चलिएगा, आज षष्ठी विभक्ति का एक नियम पढ़ेंगे, पहले एक दो नियम पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉपी खोल लीजिएगा जल्दी से, पेन को हाथ में लीजिएगा और नियम को लिखना आरंभ कीजिएगा। पहले नियम 35, ठीक है, चलिएगा। और सभी पाठक से निवेदन है कि लाइक जरूर कर दिया करें, संस्कृत माता को लाइक अवश्य करें, ठीक है। नियम 35, 34 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 35वां नियम लिखिएगा। उपरी, उपरी का अर्थ है ये, मैंने बराबर करके उसके सामने अर्थ लिखा हुआ, ऊपर। उपरिष्टात इसका भी अर्थ होता है ऊपर। आधाहा, आधा माने नीचे, नीचे लिखा हुआ, लिखे नीचे। अधस्तात, अधस्तात का अर्थ भी नीचे होता है, ठीक है। ओराहा, ओराहा का अर्थ होता है सामने, ठीक है, इन फ्रंट, सामने लिख लीजिएगा। पुरस्तात, पुरस्तात का अर्थ भी सामने होता है, ठीक है, सामने। पश्चात, पश्चात का भी अर्थ होता है पीछे, बैक साइड, ठीक है, पीछे पीछे। अग्रे, अग्रे का अर्थ होता है आगे, सामने वही होता है आगे, आगे। दक्षिणताहा, ये विसर्ग है, दक्षिणताहा, दक्षिणता का अर्थ होता है दक्षिण की ओर या दाहिनी ओर, माने ऐसा कह सकते हैं दक्षिण माने राइट साइड, ये राइट हैंड की साइड, ठीक है, अथवा दक्षिण दिशा होती है उसको, उसको कह, उसकी साइड में कह सकते हैं, ठीक। तो दक्षिणता में दक्षिण की ओर या दाहिनी ओर। उत्तरता, ठीक है, उत्तरता का अर्थ होता है उत्तर की ओर या बाई ओर, माने लेफ्ट साइड या नॉर्थ साइड में, ठीक है, दो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें, ठीक है, तो दो अर्थ हैं, ठीक है। ये शब्द मैंने आपको लिखा दिए, इनका अर्थ भी लिखा दिया साथ साथ में। अब ये शब्द जो मैंने लिखा है इसी में ये नियम है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब लिखिएगा इसी में, आगे लिखिएगा आप, ये शब्द वाक्य में जिसके विषय में कहते हैं तद्वाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है,
जैसे, कठिन नहीं है, सरल ही है, ठीक है। ये शब्द हैं, ये सभी क्या हैं, ध्यान रखेंगे, ये अव्यय शब्द हैं। कैसे अव्यय, ये कैसे हैं, अव्यय हैं ये, इनके रूप नहीं चलते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने आपको, इनके रूप नहीं चलते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो वाक्य के अंदर जब इनमें से कोई भी शब्द आप प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ जो है वो जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिसके आगे, जिसके पीछे, जिसके ऊपर, जिसके दाएं, जिसके बाएं, तो जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो उसको कहने वाला जो शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग करनी है, षष्ठी। सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब आपको इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, अब चीजें जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी। उदाहरण मैंने आपको यहां दिखाया, देखिएगा। जैसे काका वृक्षस्य उपरि अस्ति, आप अर्थ अपने आप समझ जाएंगे, इसका थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे समझ जाएंगे। काका, काका का अर्थ होता है कौआ, ठीक है, क्रो। तो कौआ, जो कौआ है वो क्या है, वृक्ष, वृक्षस्य उपरि, माने उपरि माने ऊपर, किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर, तो वृक्षस्य में षष्ठी हो गई। अस्ति माने है, कौआ वृक्ष के ऊपर है। दो, देवाः गृहस्य उपरि अस्ति, देव नाम का कोई व्यक्ति है वो कहाँ है, घर के, गृहस्य माने घर के ऊपर है, तो गृहस्य में षष्ठी हो गई, ठीक है। और देखिए, सरल उदाहरण दिए मैंने, छात्रा गृहस्य उपरिष्टात आगच्छति, इसका अर्थ है छात्र है वो घर के ऊपर है, घर के ऊपर है, वहां से आता है, इसका ये अर्थ है, छात्र घर के ऊपर है वहां से आता है, ठीक है। तो छात्र घर के ऊपर से आता है, यहां पर से अर्थ भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, माने ऊपर अथवा ऊपर से, ऐसा भी अर्थ आता है, इसमें षष्ठी हो गई। चौथा, पथिका वृक्षस्य आधा तिष्ठति, क्या पथिका माने पथिक माने राही, राही यात्रा करने वाले लोग, एक लोग, एक व्यक्ति है वृक्ष के नीचे बैठा है, उसको थक गया है तो वृक्ष के नीचे बैठा है, आधा माने नीचे, तो वृक्षस्य में षष्ठी हो गई, नियम घटा, घट गया। पांच, छात्राः वृक्षस्य अधस्तात् क्रीडन्ति, ठीक है, छात्र माने बहुत सारे छात्र हैं वो वृक्ष के नीचे खेलते हैं, अधस्तात् का क्या अर्थ आया था, नीचे, अथवा नीचे से भी क्या करते हैं, कहीं पर नीचे से अर्थ आएगा या नीचे आएगा, नीचे माने वृक्ष के नीचे खेलते हैं छात्र। विद्यालयस्य पुराः छात्राः क्रीडन्ति, विद्यालय के सामने, ठीक है, विद्यालय के सामने, पुरा माने सामने, छात्र क्रीडन्ति माने खेलते हैं छात्र। सरला ये षष्ठी आई विद्यालय में, ठीक है। ऐसे ही सात, नृपस्य प्रासादस्य पुरस्तात् मनुष्याः सन्ति, क्या है, नृपस्य प्रासादात माने राजा के, प्रासाद का अर्थ होता है महल, ठीक है, पैलेस, महल, राजा का महल, तो ये तो षष्ठी नहीं हुई, ये षष्ठी तो संबंध में षष्ठी हुई है, ये भी ध्यान देंगे, ये वाली जो षष्ठी है ये तो पहले माने जब महल का और राजा का संबंध बताने में षष्ठी है, ठीक है। पुरस्तात इसका जो हम नियम पढ़ रहे हैं, इसके नियम के द्वारा इसमें षष्ठी हुई है, माने प्रासादस, प्रासादस्य माने महल के सा, पुरस्तात माने सामने, मनुष्या संति माने लोग हैं, भीड़ लगी है राजा के घर मका महल के सामने, ठीक है,
इंतजार कर रहे हैं राजा आए निकल के। ठीक है चलिए, आठ, मम गृहस्य पश्चात तव गृहम अस्ति, मेरे घर के पीछे तुम्हारा घर है। इसमें कई जगह षष्ठी है, तो आपको कौन सी षष्ठी देखनी है? अभी पश्चात के योग में किसमें षष्ठी हुई है? इसमें हुई है, माने घर के पीछे। इसमें जो षष्ठी हुई है मामा मामा मम माने मेरा घर, ये उस नियम से हुई है पहले वाले से संबंध बताने में, माने घर का और मेरा संबंध है, तो मेरे में मामा षष्ठी हुई है, संबंध में षष्ठी है। ऐसे ही तव गृहम, यहां पर भी संबंध में षष्ठी है। अभी हम नियम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार पश्चात शब्द के साथ इसमें षष्ठी है केवल। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें भी और इसमें भी सब जगह आप इसी से षष्ठी कर दें, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो मेरे घर के पीछे तुम्हारा घर है। और देखिएगा नौमा, मामा गृहस्य अग्रे उद्यानम अस्ति, मेरे घर के अग्रे माने सामने, उद्यान माने अर्थ होता बगीचा गार्डन, अस्ति माने है, तो मामा गृहस्य इसमें तो संबंध में षष्ठी है, मेरे घर के सामने इसमें अग्रे के योग में षष्ठी है, इसी नियम से गृहस्य में षष्ठी, तो ये षष्ठी हो गई इसमें। इससे उद्यानम अस्ति माने मेरे घर के सामने बगीचा है। और देखिएगा दश, छात्राः अध्यापकस्य दक्षिणतः सन्ति, अब यहां पर क्या है, छात्र लोग अध्यापक के दक्षिण साइड में माने राइट साइड में, अध्यापक यहां पर खड़ा है, विद्यार्थी उसके राइट हैंड में खड़े हुए। ठीक है, तो क्या है, इसलिए कहेंगे कि गुरुजी थप्पड़ मारेंगे तो इधर ही तो मारेंगे, इधर उल्टा नहीं मार सकेंगे, राइट साइड में खड़े हुए विद्यार्थी। चलिएगा, ऐसा नहीं है, मैंने वाक्य बनाया है, छात्र अध्यापक के दक्षिण माने राइट साइड में, दाई ओर संति माने हैं। ठीक है, आगे ग्यारह, मान त्वम मामम उत्तरतः असि, ठीक है, तुम मेरे उत्तरता, तुम मेरे उत्तर में लेफ्ट साइड में हो, बाई ओर हो, तो यहां इसमें षष्ठी हो गई उत्तरता में, असीमा तुम मेरे बाई साइड में हो। ये नियम मैंने आपको जितने भी शब्द बताए सबके साथ एक एक उदाहरण दे दिया है। अब आपको अभी मैं गृहकार दे रहा हूं कि आपको भी ये 11 वाक्य आपको बनाने हैं, अर्थात एक अलग से वाक्य प्रत्येक शब्द के साथ बनाना है। ठीक है, आप से गलती हो रही है, गलती होने दीजिएगा, गलती की चिंता मत कीजिएगा, गलती होती है, हमारे से भी गलती होती है, हम भी पढ़े, हमारे से भी बहुत गलती हुई है, और कभी कभी पढ़ाते समय भी हो जाती है गलती, फिर हमको ध्यान आता है उसको सुधार लेते हैं। तो गलती से मत डरिएगा, कोई आपको टोकता है गलत लिख दिया तो बताओ सही बताओ। ठीक है, तो ऐसे एकदम सही कोई भी नहीं लिख सकता है। अब आपको मैंने 11 वाक्य बनाने के लिए दिए हैं, आपको 11 वाक्य बनाने, 11 शब्दों के साथ में एक एक। ठीक है, गलती जहां होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, गलती होगी तभी तो सीखेंगे, बिना गलती के कौन सीखा है। ठीक है, सो डरिए मत आप बिल्कुल भी। ठीक है, धीरे धीरे आप ही अपनी गलती को सुधारना सीख जाएंगे, हम आपको ऐसा निपुण बना देंगे कि आप ही अपनी गलती को सुधारना सीख जाएंगे, किसी से आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये मैंने आपको एक नियम पढ़ा दिया। ठीक है, आइएगा एक नियम और इसमें पढ़ लेते हैं, षष्ठी के और भी कई नियम हैं, तो हम सोचते हैं कि अगली कक्षा में षष्ठी के सभी नियम कंप्लीट करा दें, फिर सप्तमी के भी करा देंगे। ठीक है, ये लीजिएगा नियम 36 लिखिएगा, बहुतों में से
एक को छाटने में जिसमें से या जिससे, ऐसा करिएगा, जिससे छाटा जाए उस शब्द में षष्ठी या सप्तमी, ये सप्तमी भी लिखा है मैंने, या सप्तमी विभक्ति होती है जब जैसे जब देखिएगा ये नियम कहाँ काम करता है, जैसे कई वस्तुएं हैं किसी भी प्रकार की, जड़ चेतन अदृश्य अदृश्य बहुत सारी है, उनमें से हमें एक को उनमें से कुछ या तो अच्छा या बुरा बताना होता है कि ये इसमें से, इनमें से, सब में से ये अच्छी है या बुरी है, बस माने उनमें से, सब में से एक को जब छांटा जाए, दो आदमियों ने एक को छांटा जाए, ठीक है, तो बहुतों में से जब हम छांटते हैं, छटनी करते हैं, तो जिनमें से छांटते हैं, जिनमें से छांटते हैं, तो उनको कहने वाला वाक्य में जो शब्द होता है उसमें सप्तमी, षष्ठी या सप्तमी दोनों कर सकते हैं आप, विकल्प है, षष्ठी भी कर दीजिएगा सप्तमी, या षष्ठी पढ़ रहे हैं सप्तमी आगे पढ़ेंगे, तो अभी ये हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। जैसे छात्राणाम रामाः श्रेष्ठाः अस्ति, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनमें राम नाम का जो छात्र है वो थोड़ा सा अच्छा छात्र है, शालीन है, विनम्र है, होशियार है, चतुर है, निपुण है, तो इसलिए क्या है, उन छात्रों में से ही छात्र, एक छात्र को छांटा जा रहा है, छटनी हो रही है, तो इसलिए किसमें से छांटा जा रहा है, जिसमें से छांटा जा, छात्रों में से छांटा जा रहा है, तो छात्रों को कहने वाला जो शब्द है छात्र शब्द है, तो छात्र में क्या कर दी हमने, षष्ठी बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं इसलिए क्या कर दी, बहुवचन है छात्राणाम, ठीक है, सरल है ये तो, आराम से है अस्ति, ये तो सामान्य प्रथमा व्यक्ति आ जाएगी, छात्रों में इसका अर्थ आएगा, इसमें काकी के अर्थ नहीं आएगा ध्यान देंगे, इसमें अर्थ आएगा छात्रों में राम नाम का छात्र श्रेष्ठ है। अब आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, इसके स्थान में सप्तमी भी कर सकते हैं, छात्रेषु ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये माने छात्रेषु रामाः श्रेष्ठाः अस्ति, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मैंने दिया आपको एक और, मनुष्येषु ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः भवति, मनुष्यों में जो मनुष्य मनुष्य हैं उनमें ब्राह्मण, माने ब्राह्मण माने जो विद्या का काम करने वाला, ठीक है, विद्या का काम करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि विद्या का कार्य कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, परोपकार की दृष्टि से कर रहा है, ठीक है। तो मनुष्यों में ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को छांटा जा रहा है, किसमें से छांटा जा रहा है बोलो, मनुष्यों में से, तो मनुष्य में क्या हो गई, सप्तमी कर दे, यहां आप षष्ठी भी कर सकते हैं या आप मनुष्याणाम भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, मैंने दोनों प्रकार से लिखा हुआ, दोनों प्रकार से समझा, मनुष्याणाम ऐसा भी कर सकते हैं, मनुष्याणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ भवति, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, विद्वान श्रेष्ठ होता है, अथवा मनुष्येषु ब्राह्मण श्रेष्ठ भवति, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, अर्थ एक ही है हिंदी में, एक ये नियम आप विशेष रखेंगे, जहां पर
निर्धारण करते हैं तो जिसमें से निर्धारण किया जाता है उसको कहने वाले शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, और उसमें हमेशा बहुवचनी प्रयोग होगा। तो कहो बहुत में से निर्धारण किया जा रहा है, ये नियम आपके, दो नियम हो गए आपके, ठीक है। आपको क्या करना है, पांच वाक्य इसके बनाने, पांच वाक्य इस नियम के आपको बनाने हैं अपनी तरफ से। अब आप बनाइएगा पांच वाक्य, आराम से बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, पांच, ठीक है, ये आपका होमवर्क है ही। चलिएगा अब आ जाइएगा, ये षष्ठी के नियम हमने 36 तक पढ़ लिए, अगली कक्षा में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरे षष्ठी के नियम पढ़ा दें, और फिर भी नहीं हो पाते हैं तो फिर अगली में कर देंगे। अब आ जाइएगा मित्रों, आपको ये तो नियम पढ़ा दिया मैंने, अब कुछ शब्द रूप याद कराने। सर्वनाम होते हैं, आपको हमने बताया था सर्वनाम, सर्वनाम माने जो सब नामों के साथ में प्रयोग हो जाता है, जिनको आप बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। हमने आपको अभी तक तद का रूप याद करा दिया है, ये सर्वनाम है आप देख लीजिएगा, ठीक है, लिखा भी दिया है। तद का याद करा दिया है, किम का याद करा दिया, ठीक है। और इसके अलावा युष्मद के और अस्मद के याद करा दिए, ये विशेष कुछ सर्वनाम है वो मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। चार सर्वनाम आपको, सर्वनाम और भी हैं, इसके अलावा और भी हैं, बढ़ते जाएंगे अभी बाद में धीरे धीरे। अब हमारे पास में हम आपको एक सर्वनाम लेने लेकर के आ रहे हैं, एतत्, ठीक है, क्या है एतत्, इसको एतद भी कहते हैं, क्या कुछ भी कर लीजिएगा आप, इसको एतद भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं एतद। एतद का अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है यह, क्या अर्थ होता है यह, ये तीनों लिंगों में चलता है, सातों विभक्तियों में चलता है। जैसे ये तीनों लिंगों में हमने चलाया, ये भी चलाया था, वैसे ही एतत शब्द के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं और सातों विभक्तियों में चलते हैं, संबोधन नहीं होता है सर्वनामों का। तो आज की कक्षा में इसका मैं आपको तीनों लिंगों का रूप लिखाऊंगा, वो याद करना है आपको, क्योंकि इसके बहुत प्रयोग होता है, इसका क्षण क्षण पर प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए रूप लिखना आरंभ कीजिएगा, चलिए तैयार किया हुआ है मैंने आपके लिए, थोड़ा जल्दी लिखना आप चालू कीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिएगा। ये सर्वनाम है एतद, एतद का अर्थ है यह, और ये पुल्लिंग, पुल्लिंग का पहले रूप लिखेंगे। चलिए एषः एतौ एते एतम् एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः
एतेषु, ठीक है, ये रूप लिख लिया आपको, अभी उच्चारण करा देंगे, पहले लिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये आपने इसका रूप लिख लिया, ये पुल्लिंग का है, ठीक है, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में। अब इसका जो नपुंसक लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, उसको आपको विशेष याद नहीं करना। नपुंसक लिंग में क्या होता है, केवल और केवल नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति होती है, उसमें अलग होता है बस, बाकी का यही रूप होता है। यहां से तृतीया से लेकर के ये पूरा ऐसा का ऐसा ही होता है। नपुंसक लिंग में भी, पुल्लिंग में तृतीया से सप्तमी तक का जैसा रूप बनता है, वैसा ही नपुंसक लिंग में भी बनता है। इसलिए आपको अलग से याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल प्रथमा में और द्वितीया में अलग होता है, उसको मैं लिखा रहा हूं, आपको ध्यान रखेंगे, ये लीजिएगा। एतद् इसका अर्थ है, यह वही नपुंसक लिंग में है, ठीक है। और यहां पर भी प्रथमा द्वितीया में भी एक जैसे रूप होते हैं, इसका मतलब आपको केवल प्रथमा का याद करना है बस, ठीक है। चलिए लिखिएगा, एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि बाकी का पूर्ववत का अर्थ है, जैसे पुल्लिंग में तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, वैसा ही यहां पर भी नपुंसक लिंग में आपको याद कर लेना है, ठीक है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आप प्रथमा, ये प्रथम प्रमाण प्रथमा द्विमान द्वितीया, ये प्रथमा द्वितीया के रूप में समान है, तो ये याद कीजिएगा, नपुंसक लिंग का याद हो गया आपको, ठीक है। ये आपको गृह कार्य है, अभी तो मैं लिखा रहा हूं, आपको याद करना है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब स्त्रीलिंग का लिखिएगा, चलिए। स्त्रीलिंग का लिखना आरंभ कीजिएगा, एतद् यहा त्रिलिंग, ठीक है, लिखिए। एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्याः एतस्याः एताभ्याम एताभ्याः एतस्याः एतयोः एतासाम्
एतस्याम एतयोः एतासु, ठीक है, ये हो गया आपका नप स्त्रीलिंग का। इसमें मुख्य रूप से स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में या तो समान ही है ये तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में तो समान ही है, बाकी का थोड़ा अलग है तो पूरा या, और ये भी समान है, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन ये भी समान है। इतने रूप तो आपके तीनों में, तीनों लिंगों में एक जैसे ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों में ये वाले रूप तो समान ही है, ठीक। बाकी के थोड़े अलग अलग हैं, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में समान ही है सारे, प्रथमा द्वितीया में अंतर है और ये, परंतु इनका भरपूर हमें बार बार प्रयोग करना पड़ता है, साहित्य पढ़ते समय इनका प्रयोग होता है, इसलिए जरूरी है इनका आपको ये एक प्रकार से अच्छी प्रकार से याद करने होंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इनको मैं एक बार आपको उच्चारण करा देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से इनको याद कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, पहले पुल्लिंग का आ जाइएगा, आइएगा मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है, एक एक बार ही कराऊंगा, क्यों, बार बार करने से कोई लाभ भी नहीं होता, वो आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम एतस्मिन् एतयोः एतेषु, ठीक है। नपुंसकलिंग में पूरा वही है, एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि, और फिर दोबारा एतेन एताभ्याम एतैहि एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम एतस्मिन् एतयोः एतेषु, हो गया पुल्लिंग नपुंसकलिंग, ठीक है। अब स्त्रीलिंग का और मेरे साथ आप एक बार उच्चारण कर लीजिएगा, एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्याः एतस्याः एताभ्याम एताभ्याः एतस्याः एतयोः एतासाम एतस्याम एतयोः एतासु, ठीक है, इतना तो बहुत है। तो ये आपको गृह कार्य दिया मैंने, इन तीनों के आपको तीनों लिंगों में रूप याद करने, और ये इसके मैंने आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए दिए थे, पांच इस नियम के और 11 है इस नियम के। ये आज की कक्षा का आपका गृह कार्य है, इसको अच्छी प्रकार से कीजिएगा, जो अच्छी प्रकार से करेंगे, मेहनत से करेंगे, वो ही आगे बढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, शास्त्रों के जाता बनेंगे, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ती है, हमने भी मेहनत की है और हम पढ़ा भी रहे मेहनत से, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, और संस्कृत के इस अभियान को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाइएगा। सर्वेभ्यो नमः।